सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला गल गुरप्रीत कांगड़ दी, ओह पॉजिटिव आए ने, घर दे विच आइसोलेट किया गया, पर जिथे वह पिछले 24 घंटे रहे उत्थे जरूर हुण खतरा मंडरा रहा है। गल असीं मानसा दी कर रहे हां। 15 अगस्त दे दिन आजादी दिहाड़े वाले दिन गुरप्रीत कांगड़ ने मानसा दे विच ही सरकारी समागम च हिस्सा लिया सी, उत्थे ही तिरंगा फहराउण दी रस्म अदा कीती सी। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। कांगड़ दे पॉजिटिव आने तो बाद चंडीगढ़ रहिंदे उन्हां दे पूरे परिवार के टैसट किए गए हैं। गुरप्रीत कांगड़ की नूह कोरोना पॉजिटिव आई है, जबकि परिवार के बाकी सारे जो मैंबर ने उन्होंने रिपोर्ट नैगेटिव है। उन्होंने 6 महीने की उन्होंने पोतरी भी शामिल है। गुरप्रीत कांगड़ के कोरोना पॉजिटिव आने करके मानसा जिले जरूर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन हरकत आया है। 15 अगस्त के समागम के शामिल हुए थे कांगड़, बल्कि उस तो बाद एक स्कूल के उद्घाटन समागम के भी पहुंचे थे। स्कूल के संपर्क के कई बच्चे भी आए। दोवें समागमों दौरान कांगड़ के संपर्क के कई सैकड़े लोग आए हैं, तो प्रशासन ने उन्होंने सारे लोगों की भाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुण शुरू कर दी है। यह भी कहा जा रहा है कि मानसा तो जो विधायक ने नाजर सिंह मानशाही है, उन्होंने भी वो घर गए, वो भी संपर्क के सीधे संपर्क के आए हैं, तो उन्होंने भी आइसोलेट किया जा रहा है। रुक करते मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ साढ़े नाल ने। नपिंदर, तुहाडे तों समझना चाहांगे इस समय की कुछ तुहाडे कोल जानकारी, खास तौर पर मानसा तो जेकर तुहाडी उत्थे दे प्रबंधकां नाल प्रशासन नाल गलबात होई होवे कि किन्नी वड्डी तादाद हो सकती है जिहड़े सीधे लोग कॉन्टैक्ट दे विच आए ने गुरप्रीत कांगड़ दे, क्योंकि हुण मानसा दे विच इक जरूर दहशत वाला माहौल तो है कि कल पता नहीं कौन किस दे कॉन्टैक्ट दे विच आया, कौन कांगड़ दे कॉन्टैक्ट च आया, उस तो बाद अगे चेन किते तुरता नहीं पई, अजिहा किते ना किते खदशा तो पूरे मानसा दे विच होएगा। गुर देखो बिल्कुल खतरा तो देखो बनिया होया, क्योंकि 15 अगस्त का समागम सी मानसा दे विच, उत्थे एज ए कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने जाना सी और गए सी। उस तो अलावा कुछ होर समागम रखे गए सी, जिस तरह लोकल विधायक ने नाजर सिंह मानसाईया उन्होंने घर वह गए, क्योंकि लोकल विधायक अगर इनवाइट करता तो मंत्री अक्सर चले जाते हैं, वो चले गए उन्होंने घर भी, और उत्थे भी कुछ लोग उन्होंने मिलने के लिए आए हुए थे। एक स्कूल के गए, क्योंकि पिछले दिनों के ध्यान दे विच है कि स्मार्टफोन स्कीम है जी लॉन्च हुई है, तो कुछ स्टूडेंट्स स्मार्टफोन दिते जाने से, देखो थोड़े तो स्टूडेंट है जेडे आए हुए थे जिन्होंने स्मार्टफोन दिते जाने से। दूजे पास नाजर सिंह मानसाईया के घरे कुछ पोलीटिकल लोग थे जेडे मौजूद से, और नाजर सिंह मानसाईया का परिवार से, और प्रशासन वाले पास क्योंकि झंडा लहराने की रस्म अदा कर गए थे, तो डीसी ने SSP ने और जेडे SDM वगैरह जेडे जी पहली कतार के अधिकारी ने जेडे अफसर ने वो सीधे तौर पर उन्होंने कॉन्टैक्ट के ने, यानी नाजर सिंह मानसाईया कॉन्टैक्ट के ने सीधे तौर पर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो अंदर बैठे रहे हैं अपने कमरे के तो उन्होंने मास्क भी नहीं पाया, कोई तस्वीर जो सामने आई उसके मुताबिक उन्होंने मास्क नहीं पाया हुआ थी, और उन्होंने सुरक्षा कर्मी जेड़े उन्होंने खतरा हो सकता है, क्योंकि जो स्पीच कर रहे थे तो उस वे मास्क उन्होंने मुंह से नहीं था, तो आस पास उन्होंने सुरक्षा कर्मी से नाजर सिंह मानसाई उन्होंने नाल से, तो सीधे तौर पर जो पहले संपर्क के देखो पहला गुरप्रीत कांगड़ पॉजिटिव आए ने, तो जे उन्होंने पहली कतार के लोग होंगे उन्होंने खतरा है, नाजर सिंह मानसाईया ने जे अफसर ने जे उन्होंने नाल गड्डी के मौजूद से जे सिक्योरिटी वाले ने और परिवार है पहली कतार के, और जे जिन्हों सीधे तौर पर स्मार्टफोन दिता गया वह सारी पहली कतार च आएंगे, क्योंकि अपने हाथी सीधे उन्होंने स्मार्टफोन दिए गए हैं, तो जे लोग ने यह पहली कतार च आएंगे सीधे डायरैक्ट कॉन्टैक्ट के आएंगे, इन तो अगे खतरा अजे उन्नी देर तक नहीं है जिनी देर तक यह पॉजिटिव ने। हाँ जो तो इन किसी मान लो लाग लग जाती है तो वो अगे संपर्क चढ़ा चेन पर अगे तुरनी है, तो फिलहाल कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जे प्रशासन के पहली कतार के अधिकारी वो सुरक्षा कर्मी और स्टूडेंट जे ने सीधे तौर पर यह कॉन्टैक्ट के ने, नाजर सिंह मानसाईया लोकल विधायक उन्होंने परिवार उन्होंने घर के आए हुए पोलीटिकल लोग लोकल जे मंजू बाला लोकल कांग्रेस लीडर ने जोड़े वो ने भी उत्थे मौजूद से, यह पहली कतार के लोग ने जे जिन्हों सीधे तौर पर खतरा गौरव इन्हों की जी है शुरुआती पहला इन्होंने आइसोलेट किया गया, अगर टेस्ट कराने तो नैगेटिव आएगा, पर अज इन्होंने आइसोलेट जिस तरह कर दिता गया तो क्योंकि 4-5 दिन बाद एक्चुअल रिपोर्ट स्थिति साफ होंगी है, 4-5 दिन बाद इन्हों की टेस्टिंग दोबारा होएगी, पहली बार भी होएगी तो उदों असल स्थिति पता लगे कि जिस तरह इन्होंने परिवार के भी जिस तरह ने नौ जी पॉजिटिव आई है, पर उन्हों का बेटा उन्होंने छोटी जी पोतरी 6 महीने की वो हाले पॉजिटिव नैगेटिव आए हैं, तो उन्होंने टेस्ट फिर होएगा, यानी 3-4 दिन बाद दोबारा टेस्ट करवाएंगे ताकि स्थिति साफ हो सके, क्योंकि तुहाडे याद होना तृप्त रजिंदर बाजवा जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने जो वो डायरेक्टर पंचायत विभाग के संपर्क के आए थे तो उन्होंने रिपोर्ट नैगेटिव आई थी, पर जो 4 दिन बाद उन्होंने बुखार चढ़िया टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आए थे, इस करके खतरा जिहड़ा हैगा बिल्कुल मंडरा रहा, आने वाले दिनों में स्थिति एक्चुअल क्लीयर होगी, पर जिन्हें भी लोग सीधे संपर्क करो आइसोलेट खुद को कर लेते हैं तो वो अगे चेन बनाने तो रुक जाएगी। गौरव,
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਨਪਿੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਤਿਆਤ ਰੱਖੋ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜ਼ਾਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਨ ਉਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ASI ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ASI ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 800 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 770 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਤੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੋ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਨਨੀਯ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜੀ ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨਕਾ ਹਮ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਉਨਕਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਨਏ ਸਾਲ ਜੈਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਨ ਸ਼ਬਦੋ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੇ ਸੋਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੋਟੋ ਇਹ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਕਾਣ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਕਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾਇਆ ਟੈਰ ਪਾ ਪਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਚੰਦ ਛਿੱਲਣਾ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਛਿੱਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਿਆ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ
ते दूजे पासे भी किया जा रहा है कि बाद दे विच उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिवार कह रहा है कि फर्जी रिपोर्ट है, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं सी, पर बावजूद इस दे प्रशासन ने दस दिती उसको लेके ही हुण पूरे मामले च सवाल उठ रहे हैं। विनोद गोयल मेरे सहयोगी फोन लाइन से साडे नाल ने। विनोद, समझना चाहवांगे पूरा मामला की है। जी गौरव, पूरा मामला यह है जो जड़बा हल्के का पिंड है खड़ियाल, उत्थे दा भगवान सिंह सीगा 35 साल का व्यक्ति, वह अपने सुनाम तो अपने पिंड साइकिल के उत्ते आ रहा सीगा ते रास्ते दे विच उहदा अवारा पशु ने जिहड़ी उहदे नाल टक्कर मारी ते उस तों बाद वह व्यक्ति जिहड़ा जख्मी हो गया ते कुछ लोगों ने उहनूं चक के घरे पहुंचाया। घर के परिवारक मैंबर उहनूं निजी हस्पताल सुनाम विखे लैके गया जिथे उहनां नूं दस्सिया गया कि इस दी जिहड़ी पेट की अंतरी आ उह फट गई ते उस तों बाद उसनूं रजिंदरा हॉस्पिटल पटियाला विखे रैफर किया गया। जो पटियाला जाने तो बाद रजिंदरा हॉस्पिटल वाले ने एडमिट कर लिया तो उन्होंने कहा गया कि तेरी 7 बजे जो है तो मरीज भी जरा ऑपरेशन किया जाएगा अंतरी फटन के होने कारण, लेकिन उस तो बाद कोई इलाज नहीं किया गया। परिवार वाले ने यही दसिया कि कोई उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिता गया तो उसकी जी कोरोना रिपोर्ट ली गई तो 11 बजे उन्होंने दसया गया कि जरा भगवान सिंह की जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है, इस करके जरा उसके संबंध कर गए थे। कुछ समय बाद ही जरा भगवान सिंह मृतक घोषित कर दिता गया तो हूँ जरा परिवार वालों के यही इल्जाम ने कि भगवान सिंह पहला बिल्कुल जरा है तंदुरुस्त इतने परिवार बिल्कुल मेल मिलाप होया उस तो बाद जरा इन्होंने रिपोर्ट दी है करोना की, यह बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है। जरा भगवान सिंह की डैथ हुई है वो हस्पताल वालों अणगहली वर्तन करके या इलाज ना होने कारण करके ही भगवान सिंह की जिहड़ी मौत हुई है। तो उन्होंने यह भी इल्जाम ने कि अगर कोई कोरोना शक्की भी पाया जाता है तो प्रशासन या सेहत विभाग उन्होंने चक के सारे परिवार को कॉटिंग कर देता, उन्हें सैंपलिंग करवाई जाता है। अगर भगवान सिंह की जी रिपोर्ट थी कोरोना पॉजिटिव आई है तो हाले तक यह परिवार की सैंपलिंग क्यों नहीं हुई, जिहड़े मरीज लेके गए थे वो नाल से उन्हों की सैंपलिंग क्यों नहीं करवाई गई। परिवार वालों तो इतने तक इल्जाम लगाए गए हैं कि जो भगवान सिंह का जरा ऑपरेशन किया करना पेट के लेकिन वो किडनी वाली जगह के उत्ते टांके लगे हुए थे क्योंकि उन्होंने यह कहा कि जो सेहत विभाग है वह तस्करी भी कर रहा है कोरोना वायरस से। जी गौरव, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद सर जुड़न के लिए। विनोद पूरी जानकारी दे रहे सन ते परिवार का इल्जाम है कि कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं सी उन्हों का परिवारक मैंबर, तो दूजे पासे यह भी सवाल किया जा रहा है कि जेकर वो कोरोना पॉजिटिव से परिवार के हुण तक सैंपल क्यों नहीं लाए गए, क्यों प्रशासन ने इस वल ध्यान नहीं दिता। खैर पूरा जांच का विषय है पर कितना ना कितने सेहत विभाग के उत्ते रजिंदरा अस्पताल सवालों के कटहरे के जरूर है कि जेकर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है तो कि वह पहला करोना टैसट करवा के आए, तो करोना टैसट होंगे होंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी जिस तरीके इस पूरे मामले के भी होया। अगली खबर का रुख करते हैं, खबर धूरी तो है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का प्रदर्शन जारी है, कल तो पानी वाली टैंकी के उत्ते चढ़े हुए ने दो नौजवान, तो इल्जाम ने कि हुण तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी उत्थे नहीं पहुंचा। सरकार तो नौकरी की मांग की जा रही है परिवार के वलों, सरकार से अणदेखी का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। रीजन की आ पानी वाली टैंकी के उत्ते जादी घलाटिया के परिवार जिन्होंने सानू जादी दवाई उन्हां दे परिवार अज पानी वाली टैंकियां दे उपर चढ़ के गुहार ला रहे ने सरकारां दे अगे कि साडी कोई गल सुन लो। जिहड़े परिवार अज टैंकी दे उपर चढ़िया, बचन सिंह दा परिवार आ, बचन सिंह जादी घलाटिए ने बहुत तकड़े, जिन्हां ने 10.5 साल जेल कट्टी आ, 10.5 साल जेल कट्टी आ ते 9 महीने लगातार वरत मरण वरत ते बैठे रहे ने। कोई कांग्रेस दा ऐसा वड्डा लीडर नहीं, ज्ञानी जैल सिंह वेले चेयरमैन रहे ने धूरी दे मार्केट कमेटी दे MLA दी इलैक्शन लड़ी आ, जिन्नियां उन्हां दीआं कुर्बानियां ने मैं समझदा सारियां कुर्बानियां फिक्कियां पै जांदियां ने। अगली खबर दा रुख करदे आं, खबर लुधियाणा तों है। लुधियाणा जेल दे विच नौजवान दी मौत दे मामले च करीब 5 महीने बाद मुलजम पुलिस वालियां दे उत्ते FIR दर्ज कीती गई है। कोर्ट दे आदेश तों बाद अदालत ने हुक्म दित्ते ते SHO ते 2 ASI दे उत्ते केस दर्ज कीता गया। फरवरी दे विच चोरी दे केस च नौजवान नूं फड़िया गया सी, पुलिस मुलाजमत से हिरासत के कुटमार का इल्जाम लग्या। थाने तो जेल जाने के अगले ही दिन नौजवान की मौत हो गई सी। कार्रवाई ना होने परिवार ने फिर अदालत का रुख किया, हुण अदालत के हुक्मों तो बाद पुलिस मुलाजम जिन्हों के उत्ते इल्जाम ने जो मुलजम ने उन्होंने उत्ते FIR दर्ज की गई। मुलजम
अरैस किया गया सी जिन्हों बाद पुछगिछ गिरफ्तारी ते पुलिस रिमांड खत्म होने तो बाद जेल छड्या गया सी जो उहदी जेल जाके डैथ हो गई सी जिस ते उहदे पेरेंट्स ने एक एप्लीकेशन पुलिस के खिलाफ कोर्ट च दित्ती सी जिस ते श्री विक्रांत कुमार हरीसन शाही ए सी जिम सर ने पुलिस ऑफिशियल दे एस आई रिचा ए एस आई चरणजीत एंड ए एस आई जसकरण दे ते अदर पुलिस ऑफिशियल दे खिलाफ एफ आई आर रजिस्टर करने लिखा सीगा जो उस ऑर्डर दे अगेंस्ट एस आई रिचा एंड अदर पुलिस ऑफिशियल वालों अपील पाई गई सी जो कल डिसमिस हो गई जिस ते मानयोग जज साहब दे हुक्म मुताबक एफ आई आर दर्ज की गई है। हुण अगली खबर हिमाचल तो लवांगे गुआंढी सूबे तो जिथे विकास के दावे किन्नी कोणा दे विच दम है उसकी तस्वीर तुहानूं दिखाने हैं जी। हाँ दावें की पोल खुलती हुई उत्थे भी नजर आई नहन तो नहन के लोगों की बेबसी दी तस्वीर सामने आईया ने। नदी के विच लाश ले जाण नूं मजबूर नज़र लोग आए जान तली के उत्ते धर के लाश सने इस दरिया नूं पार किया गया। कई बार गुहार लगाउण दे बावजूद भी इत्थे पिंड वालियां दा इलाका वासियां दा इल्जाम है कि उसके बावजूद भी सड़क नहीं बनाई गई इलाके की सार नहीं ली। अगली खबर दे रुख करदे खबर अमृतसर तो अमृतसर दे विच मामूली गल दे उत्ते महिला दे नाल कुटमार हुई है जिहां महिला दी 3 साल दी बच्ची नूं भी नहीं बख्शा गया। न्यू नेहरू कॉलोनी दी घटना सीसीटीवी सामने आई है। कॉलोनी दे ही एक शख्स ते कुटमार दा इल्जाम है। बच्चे नूं गली दे विच साइकिल चलाउण तों रोकण ते पूरा विवाद होया। दस्सिया भी जा रहा कि मुलजम शख्स का बच्चा गली दे विच अपनी साइकिल चला रहा सी अते महिला दी बेटी खेड रही सी। इल्जाम ने कि महिला ने बच्चे नूं साइकिल चलाउण तों रोकिया। इस गल से तकरार इस कदर बढ़ गई कि मामला कुटमार तक पहुंच गया। मुलजम शख्स ने अपने साथियों के नाल मिलकर महिला की कुटमार कर दी है। इल्जाम ने उस दी सीसीटीवी तस्वीर आई ने किवें गुआंढी आपस दे विच इको मोहल्ले दे विच रहिंदे ने किवें आपस दे विच उलझ गए भिड़ गए फिर एक दूजे नाल हथों पाई होए खूब कुटमार हुई है। तस्वीर सब कुछ बयान कर रही ने। तो मामला की है? मामला बच्चों के खेडण का। एक बच्चा खेड रहा है दूजा बच्चा साइकिल चलाना चाहता है तो उसी लैके पूरा विवाद हो गया। छोटे जे बच्चे तो झगड़ा होया जिहड़ा कि वड्डियां तक आ गया है। उन्होंने आ गए पहले तो वो पापा आए सी भी वड्डे पापा आए उन्होंने कहा कि की गल हुई है। तो मैं क्या अंकल मैं इन्होंने इन्ना ही कहा कि बच्चा साइकिल चलाते इतों टर्न कर ले पर नहीं वो मन्ने नहीं वो जबरदस्ती कहें कि जाओ तुम फिर चलाओ चलाओ। मैं क्या कि छोटा बच्चा तो लग जूगी तुम इतों मोड़ लो साइकिल कहते नहीं फिर वह चाचा आया आ उन्हें सू आ के गाला गूला कढ़िया कुत्तियाँ आराम दियाँ या ये वो साढ़े गल पिया सूँ मारिया उन्हें साढ़े तो उत्थे गया मुड़ मुड़ के तो उ पता लगा भी एक बच्चे बच्ची ही बेटी ही 6-7 साल की वो गली से साइकिल चला रही उत्तर उन्होंने दोनों पार्टियां आपस में थोड़ा जहा तकरार हो गया तो वो फिर वो उन्होंने दरखास्त दी वा रुख करते हैं। अमित शर्मा मेरे सहयोगी इस समय साढ़े नाल जुड़ रहे हैं अमृतसर तो। अमित जानना चाहवांगे पूरा मामला की बच्चों के खेडण का ही है या पिछे की कहानी कुछ होर है कि पुरानी कोई रंजिश सी बच्चों का बहाना बन गया तो फिर कुटमार कर दी गई। जी गौरव पुराने अगर अभी गल करिए जानने की कोशिश की है पुराने दोवें परिवार जे एक दूसरे को बुलाते नहीं है जिस तो साथ साबित होता है कि इन्हों की पुरानी रंजिश भी है। सो इन्हों हूँ कल जी घटना हुई है बच्चों तो हुई है लेकिन जो पुरानी रंजिश सामने हुए तो फिर झगड़ा होना लाजमी है क्योंकि उन्होंने जे बच्चे रोकया साइकिल चला तो उस तो बाद उसके पिता ने आके हमला किया अपने साथियों के नाल फिर इस परिवार वालों भी उन्होंने हमला किया गया जिस दो तो तीन लोग जरूर घायल हुए हैं। पुलिस हुण जांच करती पई हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी हुण मिल चुकी है तो उस तो बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जो भी दोषी पाया गया उससे कार्रवाई की जाएगी लेकिन जो मामला सामने आया वो पुरानी रंजिश का ही है जिस करके दोवें परिवार एक दूसरे को बुलाते भी नहीं थे। जी गौरव शुक्रिया धन्यवाद सा जुड़न के लिए। तो पुराना मामला तो कोई होर है ये साफ इस मामले नजर आता है जिमें अमित भी दस रहे सन कि इस पूरे मामले जिन्हें आपस के झगड़ा होया आपस के बोलचाल नहीं सी यानी कि पुराना कोई मामला है तो सब के विचाले हुण सीसीटीवी सामने आई है कि बच्चों के मामले से आपस के भिड़े ने यह लोग। एक छोटे जे ब्रेक लिए रुक रहे हैं फौरन हाजिर होवांगे। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। हुण खबर संगरूर तो लवांगे। संगरूर के सुनाम के पति की हैवानियत सामने आई है
जी हाँ, तेज धार हथियार के नाल पत्नी दे कतल की कोशिश की गई ते जख्मी हालत दे विच लोकां ने लड़की नू बचाया। मुलजम नू इट्टां पत्थर मार के कुड़ी नू छुड़वाया गया। दोवें हस्पताल दे विच दाखल ने, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पर सवाल यही है कि आखिर इन्ना गंभीर मामला क्यों बन गया, क्यों आपस दे विच इस तरीके नाल भिड़ गए। तेज धार हथियार दे नाल पत्नी दे कतल की कोशिश की गई है जो इल्जाम ने सुनाम तो यह पूरा मामला सामने आया। सुनाम तो पूरा मामला निकल के सामने आया। पति के उत्ते इल्जाम ने कि उसने अपनी पत्नी नाल कुटमार की, बहुत बेरहमी नाल कुटमार की, तेज धार हथियार के नाल कतल की कोशिश तक की गई। उत्थे लोग मौजूद सी, रौला पाया गया, उस तो बाद छुड़वाउण दी कोशिश हुई, पर पति नहीं हट रहा सी। वो अपनी घरवाली नूं मारन ते ही उतारू होया सी। ते उस तो बाद लोकां ने इट्टां पत्थर इस शख्स दे मारे, उस तो बाद ही इस नूं पिछे किता गया ते इस दी पत्नी नूं बचाया गया, कुड़ी नूं बचाया गया। हालांकि दोवां दी हालत हुण गंभीर दसी जा रही है, जिन्हां नूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया। काफ़ी कुटमार कर रहा है, तो ये को दफ्तर भी सी, वो भी मतलब जो कोई नेड़े जाता स काफ़ी अग्रैसिव स भी ये वाइफ का नुकसान करने कर रहा है, जो कोई भी पब्लिक का बंदा या पुलिस वाला नेड़े जा रहा है। बट फिर भी पब्लिक की सहायता नाल इनू हटाया गया, इनू फड़िया गया, इनू काबू किया गया। पब्लिक ने थोड़ी कुटमार भी की हैगी, उस तो बाद इनू असी इतने लैके आता है सुनाम हॉस्पिटल लैके आता है, डॉक्टर साहब का चैकअप कर रहे हैं। हुण खबर सिरसा तो लवांगे। सिरसा के पिंड नटार दे विच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तीन दिन तो ज़्यादा का समा हो चलिया है, तकरीबन साढ़े तीन दिन तुसी कह सकते हो। तो सीवरेज के डिगे संदीप की भाल जारी है। सीवरेज प्लांट के हुण मेन होल नूं भी खोल दिता गया। बुधवार रात सीवर लाइन के दो लोग डिगे से, एक नूं बाहर कढ़ लिया गया, हालांकि बचाया उसनूं भी नहीं जा सकिया, इलाज दौरान उन्हां दी मौत हो गई। तो उस तो बाद संदीप नाम के इस नौजवान का हुण भी भाल की जा रही है, सर्च ऑपरेशन उसके लिए चलाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन के विच नहीं, इजाजत दियो, धन्यवाद।